कि अल्लाह के रसूल सल्लम के दादा, उन्होंने एक मन्नत मांगी। जब अल्लाह के रसूल सल्लम के वालिद भी पैदा नहीं हुए तब उन्होंने एक मन्नत मांगी, कोई मन्नत होगी। उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे 10 लड़के हुए और काबिल भी हुए साथ में, तो लड़के होना लेकिन काबिल भी होना, यानी वो उनके साथ खड़े रहे हर चीज़ के अंदर, बिजनेस के अंदर या जंग या जो भी उसके अंदर वो खड़े रहे, 10 ऐसे बच्चे हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा कि एक बच्चे को कुर्बानी देकर दूँगा, कुर्बान कर दूँगा। ये उन्होंने मन्नत मांगी। अब वो जब बच्चे हुए और 10 ही बच्चे हो गए, 10 बच्चे हुए जिसके अंदर सबसे छोटे अब्दुल्ला जिनका नाम था, अल्लाह के रसूल सल्लम के वालिद, तो फिर ये सब जवान हो गए। वो जवान होने के बाद में फिर वो उनको मन्नत पूरी करना थी, और मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने लड़कों को बताया भी कि देखो ये मैंने मन्नत मांगी थी। तो मैं कहा कि हाँ अगर मन्नत मांगी तो पूरी, क्योंकि वहाँ का ये कस्टम था, वहाँ रिवाज था, ये आम था रिवाज के इसे मन्नत मांगते थे और उसमें बच्चे को कुर्बान कर देते। अब उसमें यह था कि एक बच्चे को देना था, किसको दें उसमें से, तो उन्होंने कहा कि इसमें से पूरा डाल देते। पूरा यानी कि पर्ची डाली जाएगी, जिसके नाम की पर्ची आएगी उसको कुर्बानी कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या, ये जो सबसे आखिरी में हुए थे, सबसे छोटे थे, अब्दुल्ला नाम था अल्लाह के रसूल सल्लम के वालिद का, इनका नाम उस कुरा में निकला। और इनको बताया फिर उन्होंने कि तुम्हारा नाम निकला है और ये मन्नत मांगी थी, तो इन्होंने भी कह दिया आप वालिद हैं, आप चाहे तो आपने किया तो आप उसको करी, अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गए। अब इसमें अब जो जिसके भी ये कुर्बानी की जा रही थी उस वक्त के अंदर, जाहिर सी बात है कि मुकम्मल वहाँ पर तौहीद तो थी नहीं कि अल्लाह के लिए वो कुर्बान करते, और अल्लाह इंसानों की कुर्बानी लेता भी नहीं, पसंद भी नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह की ली, लेकिन वो भी एक ख्वाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा था, अब बगैर ताबीर भी नहीं की उन्होंने, बस ख्वाब देखा और बच्चे से बताया तो बच्चे ने भी कह दिया कि आप तो कर गुजरी अल्लाह का हुक्म ही, लेकिन अल्लाह ने कुर्बानी नहीं ली तो वो मिलता है। तो यहाँ पर भी नहीं होगा, लेकिन मुकम्मल तौहीद तो नहीं, लेकिन सीरत में मिलता है कि जो अब्दुल्ला थे इनके ताल्लुक से जो लिखा मुफस्सरीन ने कि ये परहेजगार शख्सियत थे उस वक्त के अंदर जब जहालत का दौर था और हर तरफ फांसी और सब कुछ थी, लेकिन ये उन सबसे बुरे कामों से दूर रहते थे और ईमानदारी से सादी ज़िंदगी बसर किया करते थे। अब उनके वालिद कुर्बान करने जा रहे थे तो कुर्बान कर ही रहे थे, लेकिन किसी ने रोक दिया उनको कि रुक जाओ, क्योंकि लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, ये इंतहाई खूबसूरत थे, जवान थे, खूबसूरत थे, इनकी सादगी ईमानदारी लोगों को पसंद, तो मोहब्बत में लोगों ने मना किया कि ऐसा मत करो, रुको। और उन्होंने कहा कि एक औरत है, काहिना है, कहानी काहिना जिसको बोलते हैं ज्योतिष बतानी है, भविष्य बताने वाली है, जो करती है अमलियात करती है उसको, तो काहिना है। उन्होंने कहा काहिना है जो मदीना में रहती है, उसके पास जाओ, चाहे वो कुछ ऐसा तरीका निकाल दे तो हो सकता है कि बच जाए। तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ हल निकल जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। सारे के सारे उसको लेकर, बच्चों को वो और सब जितने थे सबको लेकर उसके पास पहुँच गए, काहिना के पास। और वहाँ पर गए तो काहिना ने जो बताया उनको, उन्होंने कहा कि एक काम करो, 10 ऊँट लो और 10 ऊँट का नाम डालो, वो साथ में इनका भी नाम डालो, उसके बाद फिर पूरा निकालो, और ऊँट का पूरा निकल जाए तो 10 ही ऊँट कुर्बान कर देना, ऊँट के नाम का आ जाए तो निकाल देना। और लेकिन वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने 10 ऊँट लिए और डाला, और इनका नाम भी साथ में डाला तो इन्हीं का नाम निकला फिर से। फिर उन्होंने कहा कि अब ये जब तक तुमको अमल करना है कि जब तक कि 10-10 ऊँट इसमें बढ़ा दे जाना, और 10 का ही कस्टम था, 10 ही था उसमें मन्नत किसी की होती है, 10 ऊँट वहाँ पर कुर्बान किया करते हैं। तो उन्होंने कहा 10 ऊँट भी लाना और फिर निकालना, और फिर भी अगर वापस नाम निकल जाए यही, फिर 10 ऊँट भी लाना फिर निकालना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, फिर 20 ऊँट हो गए, फिर नाम निकाला, फिर अब्दुल्ला का नाम, फिर 30 मिला दिए, 10 और मिलाए, फिर निकाला, फिर अब्दुल्ला का नाम, ऐसे करके वो 100 ऊँट हो गए। तो 100 ऊँट होने के बाद में फिर जाके ऊँट का नंबर आया, तो इनका ये कि 11 बार पूरा इनके नाम का निकला, अब्दुल्ला के नाम। और उसके बाद में फिर उन्होंने 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया और ये फिर उसमें से बच गए। अब ये बच तो गए, अब अल्लाह ने बचाया, क्योंकि ये निज़ाम था अल्लाह का, क्योंकि इनको बचाना था कि अल्लाह ने तदबीर डाली थी वहाँ पर, क्योंकि इनसे एक ऐसी शख्सियत पैदा होनी थी इसलिए इनको बचाना ज़रूरी था। तो इतना होने के बावजूद ये बचे।
वो काइना की, तो और अल्लाह ने ये तदबीर डाली होगी कि उनका रुख, क्योंकि वो तो कुर्बानी दे ही रहे थे, लेकिन उनका रुख फिर जो है काइना की तरफ गया और वो उधर चले गए। अब वो ना तो वहाँ पर वही थी, ना कोई उनके पास इल्म था वही का, तो जिसकी वजह से कुछ वो जानते कि भाई ये कुर्बानी, ये मन्नत सही है या ना सही है। लेकिन अल्लाह ने बहरहाल जो है तदबीर ये की। अब चंद दिन गुजरे होंगे कि फिर उसके बाद में मदीना के अंदर रहने वाली हजरत आमना से उनका निकाह हो गया, और ये मदीना से वहाँ से ताल्लुक़ जुड़ा। एक मदीना से ताल्लुक़ जुड़ा कि काइना के पास गए, फिर वहाँ पर जो है वहाँ की एक लड़की से निकाह कर लिया। अब ये मुश्किल से 3 दिन गुजरे होंगे निकाह के बाद में, और इनको एक सफ़र पर जाना पड़ गया, तिजारती सफ़र था और उसके अंदर अर्जेंटली उनको जाना पड़ गया। सीरिया गए बिजनेस के लिए, वहाँ से वापस लौट रहे थे, और मदीना के करीब में उनका इंतकाल हो गया और वो वहाँ पर उनके गुजर गए।